हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू डिजाइन विंटर ड्रेस लड्डू गोपाल जी का बनाएंगे। ये कुछ नए तरीके से मैंने जैकेट बनाई है और हम दोनों साइड इसको पहना सके। पूरे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाय बताऊंगी। मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के ज्वेलरी के वीडियोज बनाए, आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए हैं। हम 4, 5 और 6 को आसानी से पहना सकते हैं। तो देखिए, इसको पहनाना भी बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो येलो जैकेट और रेड पैंट, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और अब मैं पहनाऊंगी रेड जैकेट और येलो पैंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं, उसको जैकेट बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। अब हम क्या करेंगे, आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने सीधी साइड अंदर की तरफ कर दिया है और 2.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और एक लंबी लाइन खींच लूँगी और दोनों साइड थोड़ी थोड़ी लाइन खींच ली है मैंने, हाफ हाफ। और यहाँ पे एक मार्क किया है, इतनी जगह हमें खाली रखनी है, बाकी चारों तरफ हमें टिच कर लेना है। अच्छी तरह से कपड़े को सेट करके हमें टिच करना है। तो चलिए टिच कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी टीच हो गई। अब हम कैप बनाएंगे। तो इसकी लंबाई है 3 इंचिस और चौड़ाई इसकी 2 इंचिस है फ्रेंड्स। इसको सिंगल फोल्ड करके हमें टीच कर लेना है दोनों को। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम कैप बना सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है, बस इसको सीधा करके दोनों सिलाई को जोड़कर उल्टा करके हमें टीच कर लेना है बस। तो देखिए, ये हमारी 2-in-1 कैप बन के रेडी है। अब हम अच्छी तरह से सेट करके प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो देखिए, ये हमारी स्टिच हो गई है। अब हम बीच में काट लेंगे, आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे, अच्छी तरह से कोने निकाल देंगे ताकि हमारी जैकेट की फिनिशिंग अच्छी आए। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID माया टैलेंट है। अब हम प्रेस स्टिच लगा देंगे ताकि जैकेट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टिच हो गई है। अब हम यहाँ पे एक कैप को बीच में रखेंगे और अच्छी तरह से सेट करेंगे। सिलाई हमें बीच में रखनी है, कैप को अच्छी तरह से सेट करके हमें यहाँ पे टिच कर लेना है और धीरे धीरे टिच करना है ताकि कैप की फिनिशिंग अच्छी आए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जैकेट और कैप बनके रेडी है, पूरा फिनिशिंग वाला। बहुत ही इजी तरीके और आसानी से हम बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे पैंट। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 7 इंचिस और चौड़ाई इसकी 3.5 इंचिस है। नीचे की ओर फोल्ड करके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा मोड़ना है, ढेका बनाना है। तो ये भी हमने सिंगल फोल्ड करके टिच कर लिया, दोनों किनारों को ऊपर यहाँ पे टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से पैंट बनाएंगे। यहाँ पे हम निशान कर देंगे और सिलाई को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और V आकार में हमें टिच करना है और बीच वाला पार्ट हमें काटना है। यहाँ पे हमें सिलाई को काटनी नहीं है, ध्यान में रखना है। और पलट लेंगे, देखिए बन गई ना पैंट। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैं सुई और धागे की मदद से इसमें इलास्टिक डालूंगी। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके इलास्टिक को बाहर निकाल देना है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से इलास्टिक डालना है। और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा काट लेंगे कैंची की मदद से। तो ये हमारा पेंट बन के रेडी है। तो है ना इजी तरीका? तो ऐसा ही मैंने एक येलो कलर का भी बना लिया है। तो ये हमारा पूरा ड्रेस बन के रेडी है। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो अपने मित्रों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स, मैं कुछ इस तरह के तरह तरह के ड्रेस बनाकर अपने चैनल पर डालती हूँ फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी इस तरह के न्यू न्यू डिज़ाइन ड्रेस आप देख सकते हो।